Guys, today we will study Victorian age, 1832 से 1901 तक रही है। देखिए अब हम विक्टोरियन एज के बारे में स्टडी करेंगे। जो विक्टोरियन एज वॉज द एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। देखिए जो विक्टोरिया पीरियड है, यदि हम बात करें, इस समय जो है इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए इस एज को हम बोलते हैं प्रोस्पेरिटी एज बोलते हैं इसको। समृद्धिशाली हो चुका था उस समय इंग्लैंड, व्यापार होने लगा था विभिन्न देशों से उसका। तो देखिए इसमें क्वेश्चन हमारे क्या बन सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ कन्फ्यूजन और द एज ऑफ डिलीमा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस एज को हम कन्फ्यूजन और डिलीमा की एज कहते हैं। कन्फ्यूजन और डिलीमा, द एज ऑफ कन्फ्यूजन एंड द एज ऑफ डिलीमा, दुविधा की स्थिति, क्योंकि राइटरों के सामने दुविधा हो चुकी थी बहुत अधिक। उसके देखिए पसंद नहीं करते थे बहुत सारे लोग, उनकी ड्रामा और उनकी पोएट्री को लोगों के पास में पढ़ने का जो है समय नहीं था, तो ये दुविधा का समय था उस समय जो है। ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एक बन सकता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, इट इज ऑल्सो नोन एन एज ऑफ द डाउट एंड पेसिमिस्ट, इसको हम निराशावादी भी एज के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें उस समय के जो महत्वपूर्ण राइटर हुए उनमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सबसे इम्पोर्टेंट राइटर हुए। ये 1892 तक रहे इसमें। तो इनकी कई बार देखिए जो बुक है वो पूछ ली जाती है इनके बारे में, तो इन्होंने जो राइटिंग किया है, देखिए इनकी जो बुक है पोएम बाय द ब्रदर्स है, मार्ट डी ओथर, ये देखिए इनकी जो बुक है ये कई बार पूछ ली गई है। मार्ट डी ओथर बुक किसके द्वारा रिटन की गई है, मार्ट डी ओथर बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बुक है। जो थर्ड बुक है बेटे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उलिसीज, ये भी कई बार देखिए एग्जाम में, टीजीटी एग्जाम में कई बार ये दोनों बुक को जो है पूछा गया है। देखिए जो थर्ड बुक है ये भी कई बार देखिए बेटे पूछी जा चुकी है एग्जाम में, कई बार पूछी गई है इसको भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तीनों ही बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्ट डी आउथर, उलिसिस और इन मेमोरियम। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इस पर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इट इज ए रिटन इन द मेमोरी ऑफ हिज कॉलेज फ्रेंड ऑथर हेनरी हेलन की, जो मेमोरियन जो बुक है, जो मेमोरियन बुक है वो हमारी जो बुक है ये इनके जो फ्रेंड थे उनके ऊपर जो है ये लिखी गई है। इनके जो फ्रेंड थे, कॉलेज फ्रेंड थे इनके, ऑथर हेनरी हेलन हेम हेलेम, जो इनके फ्रेंड थे उनके ऊपर ये बुक को लिखा गया, उनकी मेमोरी उनकी याद में जो है इनको इस बुक को लिखा है। तो इसमें देखिए सेकंड इसमें राइटर जो सेकंड इंपॉर्टेंट राइटर है रॉबर्ट ब्रॉनिंग है। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1812 से 1880 तक रहा इनका पीरियड। अब देखिए इनके जो महत्वपूर्ण राइटिंग है वो क्या क्या है, मैन एंड वोमैन, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो उन्होंने लिखा है। थर्ड इंपॉर्टेंट राइटर, देखिए उस समय के इनकी कोई ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछा जाता, थर्ड जो इंपॉर्टेंट राइटर है मैथ्यू आर्नोल्ड, इन पर जो है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो मैथ्यू आर्नोल्ड है उनका जो टाइम पीरियड है 1822 से 1880 तक रहा है इन्होंने, इस वर्क इनकी जो पोएम है देखिए सौरव एंड रुस्तम, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार देखिए टीजीटी में पूछी गई है सौरभ एंड रुस्तम किसके द्वारा लिखी गई पोएम है, इट इज ए बेस ऑन द प्यूरिटन थीम, ये प्यूरिटन थीम पर लिखी गई पोएम है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सौरभ एंड रुस्तम, ये पूछ ली जाती है कई बार। और जो देखिए सेकंड है, ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मेमोरियल वर्स,
एट ए मॉन ऑन द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ, गोथे और बेरन की जो डेथ है उन पर लिखी गई है ये मेमोरियम। जब ये मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु के ऊपर जो है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक तरह से जो है ये जो है मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है, वर्ड्सवर्थ की, गोथे और बेरन, इन तीनों की जो है क्वेश्चन यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेमोरियल वर्ड्स जो है किसकी याद में लिखी गई है। थर्ड इंपॉर्टेंट देखिए, इसमें जो हमारे राइटर बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट राइटर है थर्ड, वो इनकी थर्ड जो बुक है वो है थेर्सिस। ये भी देखिए कई बार पूछी गई है, थेर्सिस जो इंपॉर्टेंट है ये भी जो है पूछ ली जाती है। इट इज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ क्लॉफ। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देव जो थेर्सिस जो इलेजी है वो किसके डेथ पर जो है वो लिखी गई है, अर्थात मैथ्यू आर्नोल्ड ने किसकी डेथ पर लिखी गई है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी कई बार देखिए ये पूछ ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो ये मैंने यहाँ पर बताई है। इनकी जो पोयम है देखिए, एसेज ऑन क्रिटिज्म, इट वर्क कंटेन हिज बेस्ट क्रिटिकल वर्क। इनका क्रिटिकल वर्क है सेकेंड इनकी जो है हमारा गॉड एंड बाइबल, ये इनकी महत्वपूर्ण जो राइटिंग है इनकी। ये लास्ट हमारा जो है इस समय का जो फेमस राइटर हुए चार्ल्स डिकेन हुए, इनका जो टाइम पीरियड 1812 से 1870 तक इनका पीरियड रहा। इस समय की जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है पिकविक पेपर है, डेविड कॉपरफील्ड है, ब्लैक हाउस है, ए टेल ऑफ टू सिटीज है। तो इस समय की देखिए सबसे महत्वपूर्ण बुक ये पढ़ते भी है डेविड कॉपरफील्ड, ये कई बार देखिए कई बार पूछ ली गई है, डेविड कॉपरफील्ड किस राइटर के द्वारा लिखी गई है, तो ये चार्ल्स डिकेन के द्वारा लिखी गई है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट पीरियड है जो विक्टोरियन टाइम के जो महत्वपूर्ण हमारे राइटर हुए, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हुए, रॉबर्ट ब्रॉनिंग हुए, ये हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड हुए और हमारे जो है चार्ल्स डिकेन, ये महत्वपूर्ण उस समय के जो है राइटर है। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।